क्वारंटाइन सेंटर में बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सख्त हुए बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार। डीएम ने खाना तैयार करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट किया कैंसिल, एफआईआर के भी दिए आदेश। अब बुलंदशहर के क्वारंटाइन सेंटरों में नाश्ता और भोजन की व्यवस्था करेगी दूसरी संस्था। VIIT कॉलेज में बने सेंटर में क्वारंटाइन किए गए लोगों ने समय पर नाश्ता, भोजन और पानी न देने का लगाते हुए आरोप वीडियो किया था सोशल मीडिया पर वायरल। ये 2.5 साल की बच्ची है, इसे कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया, इसने सुबह से भूखी है, ना नहाने की कोई व्यवस्था है, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था। कोई बात करने को तैयार है भाई साहब? कोई भी नहीं है, ना यहाँ पर दवाई गोली दे रहे हैं, ना खाना पीना, दूर से दूरी भाग जाते हैं, दूर से दूरी भाग जाते हैं। खाना लेके आ रहे हैं? अच्छा, खाना ये अब लेके आ रहे हैं। अब समय हो रहा है, समय हो रहा है 2:35, ये टाइम है, और ये अब खाना आया है। खाना आया भाई साहब कोरोना वालों के लिए? अच्छा, ये शाम का खाना है, सुबह का? ये कितने बजे का खाना है? कितने बजे का है? ये करीब 1 बजे का है। अच्छा, 1 बजे कौन सा खाना है यार? मतलब खाना 1 बजे का है? जब से ये लोग आए आपने इनको चाय पानी दिया? सुबह तो आया था। सुबह आया था, ये तो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं। आपने कितने जनों को, कितने जने थे जब आपने इनको चाय पानी दिया था? तो मैं है नहीं था। अच्छा, आप यहाँ नहीं थे? नहीं। अच्छा, तो ये दोपहर का, ये दोपहर 1 बजे का खाना आया है? अच्छा, ये भाई साहब 3:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहा है, 2:45 होने वाले हैं, ये टाइम हो रहा है इनका। देखिए, कल शाम में एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था कुछ लोगों द्वारा, जिसमें कहा गया था कि यहाँ पे खाने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि वीडियो में दो आदमी उधर से खाना लेके आ रहा है और वो बता रहा है कि 1 बज रहे हैं, फिर बताया गया कि खाना बहुत लेट है, 3 बज रहा है, नाश्ता नहीं दिया गया। तो उसमें बताया गया था कि सुबह नाश्ता मिला है, बट फिर भी चूँकि लोगों की समस्याएँ से जुड़ी हुई हैं, यहाँ जो कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट हैं वो रह रहे हैं, तो तत्काल कल रात में शासन द्वारा एक देर रात तक VC चली, वो कल नहीं आ पाया। आज सुबह आए हैं, लोगों से पूछताछ की गई, कंप्लेन सत्य निकला, लोगों द्वारा खाने के बारे में, शिकायतों के बारे में बोला गया है। तो हमने तत्काल से, देखिए शासन द्वारा जो भी धनराशि दी जाती है उसके द्वारा हम लोगों ने एक एजेंसी नामित कर रखी थी, वो एजेंसी खाना दे रहे थे, तो अब आज तत्काल प्रभाव से उसको नोटिस देके उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। और हमने लोगों को बताया है कि कल सुबह से हम नई एजेंसी हायर करके तत्काल प्रभाव से रख लेंगे और उनको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खाने के साथ साथ हम लोगों ने पीने के लिए पानी भी 2 लीटर की बिस्लेरी और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा की व्यवस्था की है। फिर इनके द्वारा बताया गया कुछ छोटी मोटी साफ सफाई संबंधी, डॉक्टर के भ्रमण संबंधी, तो उसमें यहाँ पे एक हेल्थ विभाग के अधिकारी को नोडल बनाया गया था। हमने उनको भी मौके पे लोगों के सामने ही बताया कि ये कभी आए हैं, तो लोगों ने बोला नहीं, डॉक्टर्स वगैरह कम आते हैं, तो उनको भी नोटिस दी जा रही है। और तत्काल प्रभाव से हमने एक नए यंग अधिकारी को यहाँ का नोडल बनाया है और कल से हम खाना पीना, साफ सफाई और अन्य जो सुविधाएं हैं, हेल्थ पर्सनल का विजिट इत्यादि सुनिश्चित करेंगे। और किसी भी, हमारी पूरी कोशिश पहले भी रही है कि लोगों को कुछ दिक्कत ना हो और आगे हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह की शिकायतें फिर नहीं आएंगी। वीडियो वायरल होने के बाद सच परखने के लिए क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे डीएम। प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाई जाने पर डीएम की ओर से की गई कार्रवाई। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।